ये लो लस्सी पियो। कैमरा कर नहीं सकते वरना जो है ना वीडियो वायरल हो जाती है। दादू जो है ना कुछ उल्टा हो रहा है। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है हमारा होली थर्सडे पाक जुमेरात। तो आप लोगों को लास्ट वीडियो मैंने अपनी जो दिखाई थी वो पाम संडे की दिखाई थी, क्योंकि होली वीक स्टार्ट हो चुका था और आज है पाक जुमेरात की इबादत। तो अभी हम लोग चर्च जाने लगे हैं। यहाँ देखें अम्मी के कपड़े नहीं डिसाइड हो रहे, तो अभी जो है ये निकाल के पहनाया। चलो और शक्ल नहीं दिखाऊंगी, दिखाओ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कह रही बहुत टाइट लग रहा है मुझे। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है अम्मी का सूट। यहाँ दोबारा कपड़े इस्त्री करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो वाली कमीज जो है ना दिखाओ दादो को टाइट हो रही है। और ये जो है ना ये लोग डिसाइड करवा रही हैं दादो ये वाले नहीं ये वाले पहने। तो अभी जो है कपड़े इस्त्री करने पड़ रहे हैं और कपड़े इस्त्री करने के लिए ना मुझे मौत पड़ती है। मुझे कपड़े इस्त्री अच्छे करने नहीं आते, तो अभी मैं जल्दी जल्दी इस्त्री करूँगी। चर्च का भी टाइम हो रहा है और इधर अम्मा के कपड़े भी डिसाइड हो रहे हैं। जब सूट लेकर दो ना कपड़े नए लेकर दो तो कहती नहीं मैंने नहीं पहनने, मैंने नहीं लेने। जब कहीं जाना हो तो फिर कहती कपड़े नहीं है पास में। सही नहीं तो अब कौन से पहनने यार अम्मी है ना कपड़े हम किए हो ना। अभी देखो ये मैं इस्त्री करने लगी थी, आधी हो गई तो अब फिर दूसरे कपड़े ढूंढ रही हैं। जरा दिखाओ इनके ना कपड़े नहीं डिसाइड हो रहे, पता नहीं फैशन शो पे जाना है। अब बता इनको मैं कपड़े दूंगी, असल में ये मेरे कपड़े पहनना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। अच्छा ढूंढ रही है, देखो कपड़े अलमारी, इधर आओ, इधर इधर से बनाओ जरा। अलमारी भरी हुई है और कपड़े नहीं मिल रहे कि कपड़े नहीं है मेरे पास। वाह जी वाह, ये हाल है। बाजी ये पीला वाला निकाल लो, पिंक के नीचे जो है। और यहाँ ना और ये तीसरा चौथा सूट है जो फाइनल हुआ है। और मेरी जो है ना इस्त्री करते हुए ना जान जा रही है, मुझसे ढंग से हो भी नहीं और बाद में मैंने बेइज्जती भी करवानी है। मैं कपड़े सही से इस्त्री किए नहीं है। और चर्च का टाइम और दादो जो है ना दादो की तरफ कैमरा कर नहीं सकते वरना जो है ना वीडियो वायरल हो जाती है। दादो की तरफ कैमरा किया तो और कपड़े आयरन हो गए, बहुत ही बुरे। मुझे ऐसे ही आते भाई करने, मुझसे नहीं होते। मैं कुछ भी नहीं कीता। सुनने वाले हो ये खुदा का कलाम आज शब हमारी जिंदगी के लिए क्या फरमाता है। खुदावंद यीशु जब ज़मीनी खिदमत में थे, तागिदों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पहुंचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावन क्या तू मेरे पांव धोता है? और चर्च से आ गए हम लोग और ये जरा उनकी लाइट खोल लूँ। और चर्च जो था वो हमारा दिन नहीं था, तो किसी के घर पर इबादत थी। सांस फूल गई, सीढ़ियाँ चढ़ के आई, पंखा नहीं खुला। खैर अभी जाने लगी बाज़ार और बाज़ार में क्या शॉपिंग करती हूँ आपको वो दिखाऊंगी और मार्केट में भी थोड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी। और जी यहाँ हम जाने लगे हैं मार्केट। मार्केट के लिए जो है रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे थे, तो आज हमने सोचा कि चिंची पे चलते हैं। तो फिर हम लोग बैठ गए चिंची पे। काफ़ी पैदल चलना पड़ा और भूख भी लगी हुई थी, तो फ्रेंच फ्राइज खाते हुए हम लोग चले गए मार्केट में। तो मार्केट में पहुँच गए हैं और मार्केट में क्या क्या शॉपिंग की है आज आपको दिखाते हैं। मैंने अपनी शॉपिंग तो नहीं की है। हम लोग गए हैं करीमाबाद, जो मशहूर मार्केट है मीना बाज़ार, वहाँ पर आए हैं। और यहाँ हम कुर्ते वगैरह देख रहे हैं, अच्छे थे कैजुअल पहनने के लिए, लेकिन मैं अपने लिए बहुत सोच समझ के लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम तो यूनिफॉर्म में। लार्ज में पजामे थोड़े कम चलते हैं, शेरवानी का लार्ज में ना शलवार वाला चलता। ये अच्छी लग रही है। अब फाइनल बताएं। और यहाँ सैंडल्स वगैरह हम देख रहे थे और मैं इस तरह की चाह रही थी कि मुझे कोई मिल जाए कि मैं इसको सैलून में भी वेयर कर सकूं, क्योंकि खड़े होने का ज़्यादा काम है। तो ये अच्छी लग रही थी, एनम के लिए ली है मैंने। खैर नेक्स्ट मैं जाऊंगी अब कल अपने लिए हैदरी, तो हैदरी से देखूंगी। सर में दर्द होने लग गया अम्मी की महंगाई सुन सुन के। ये लो लस्सी पियो। वेलकम बैक टू यूट्यूब फैमिली। और टाइम हो रहा है यहाँ पर 10:30 और अभी आए हैं हम लोग मार्केट से। और क्या शॉपिंग करके आए हैं वो आपको आज दिखाएंगे। और मेरी शॉपिंग फिर नहीं हुई आज, तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या लूँ। बाकी आलतू फालतू चीज़ें अम्मी ने बहुत नहीं है जो नहीं काम की थी, क्योंकि बाज़ार जाती हैं तो बच्चों की कमी जो है ना वो होने नहीं देती हैं, क्योंकि जो चीज़ नहीं चाहिए होती वो लेनी होती है और जो चाहिए होती है वो महंगी लगती है। और ये इतना सा सामान लिया है और इतने से सामान में भी जो है ना मेरा तकरीबन 7,500 लग गया है। 7 से 8 हज़ार जो है वो लग गया है। और सामान देखे सिर्फ ये 2 शॉपर हैं और ये थोड़ी सी चीज़ें। और ये देखें ये छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स जो नहीं चाहिए होता ना वो मेरी अम्मा ले आती हैं, ये मीनू के लिए। और ये झूला भाई ये इनको बहुत पसंद आया था। अच्छा बाकी की शॉपिंग आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आज का व्लॉग यहीं तक का था। आप लोगों ने लाजमी नेक्स्ट वीडियो देखनी, उसमें मैं शॉपिंग आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ली हैं बाकी। और आज का व्लॉग यहीं तक का था। इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट मिलूंगी मैं आपसे दूसरे व्लॉग में। और पीछे नज़र आ रहा है, तो चले आज का व्लॉग यहीं तक का था। अल्लाह हाफिज़।